अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा रानीखेत और भिकिया सेंट बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है, लेकिन पहले दिन से ही 39 शिक्षक अनुपस्थित चल रहे हैं। सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी शिक्षक उत्तर पुस्तिका की जाँच कर रहे हैं। हाँ, पूरे हमारे जो जनपद में 3 मूल्यांकन केंद्र हैं, एक तो GIC अल्मोड़ा और एक हमारा मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत और GIC भीके सेन। तो इन तीनों में 39 जो है वो शिक्षक जो नहीं आए थे, इनको जो है नोटिस भेजा गया है कि वो किन कारणों से पहले दिन जो मूल्यांकन कार्य आरंभ करना था तो वो क्यों नहीं उपस्थित हुए। अब जब इनका जवाब 3 दिन के अंदर आ जाएगा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद अल्मोड़ा संसदीय सीट का दौरा करने और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद व अल्मोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा सहित राज्य की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। निरखट है, कांग्रेस जीतेगी। लोगों का एकदम साफ और मानना है कि मोदी की डबल इंजन दोनों ने, एक थे 5 साल के, एक 2.5 साल के, उत्तराखंड के साथ छल किया है। हम 5 सीट देख जीतेंगे। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में लोगों ने कहा, जिस सांसद ने मंत्री होते हुए भी स्थानीय समस्या है ना, जिसके लिए उनको भेजा है, टनकपुर हो, बागेश्वर हो, हिमालय की नीतियों का प्रश्न हो, है ना, मोबाइल टावर आदि एक बड़ी समस्या है, मोदी डिजिटल बात कर रहे हैं, रोजगार का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, हर फ्रंट में ये सरकार मोदी का असफल हुई है। गरीब की थाली से दाल गायब होगी, सब्जियां गायब होगी, मट्टी तेल और चीनी कंट्रोल से गायब होगी, गैस सिलेंडर लोगों से दूर चले गए, 450 से कहां आज 1000 से ऊपर चले गए। तो जनता पूरी तरह से सबक सिखाने के मूड है और हम निश्चित रूप से हम इस सीट पर जीतेंगे। रोडवेज में सहायक कैशियर के पद पर तैनात हामिद अली ने अपने अधिकारी रुड़की रोडवेज के सहायक महाप्रबंधक पर बिना जानकारी दिए और बिना किसी कारण के निलंबित करने का आरोप लगाया है। हामिद अली का कहना है कि वो मुस्लिम कर्मचारी हैं, इसलिए उनको बिना किसी कारण के निलंबित किया गया है। ये हमारी फरवरी माह का वेतन आया था, उस वेतन का चेक लेकर हमारे यहाँ हामिद अली परिचालक पद पर, और वो कैश में काम करते हैं, कैश सेक्शन, वो उसे लेकर बैंक में पहुँचे थे। कैश जो कर्मचारियों की सैलरी सीट है वो अलग सेक्शन में बनती है, और चेक जो हो वो आराम ऑफिस आता है, मंडलीय प्रबंधक ऑफिस आता है, उन दोनों का मिलान करने के बाद और अपने यहाँ एंट्री करने के बाद उन्होंने वो जमा करा दिया। हमारे जो सहायक महाप्रबंधक महोदय हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई इन्होंने हेरा फेरी की, जबकि उन्होंने उसमें कोई शब्द लिखा ना, उन्होंने लिखने का अधिकार ना ही उस पर कोई करते हैं, केवल एक पत्रवाहक का कार्य करते हैं एक तरीके से। साजिश के साथ फंसाया गया उन्हें, कोई जांच नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। संगठन का अगला कदम तो आंदोलन है, जो भी आचार संहिता में जिस भी सुविधा उपलब्ध होगी संगठन को उसी के अनुसार आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उसमें जो भी असुविधा उत्पन्न होगी उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार निगम प्रबंधन। किस तरह का आंदोलन? कोई भी आंदोलन जैसे भी आचार संहिता में कार्य बहिष्कार, आम लड़ा आंसन या कर्मी कंसन, कितना अल्टीमेटम दिया गया? अल्टीमेटम अभी तो दिया नहीं, 1 हफ्ते का कम से कम दिया जाता है, या 72 घंटे दिया जा सकता है, जैसा भी संभव होगा। सैलरी का अकाउंट 3 महीने बाद 20 अप्रैल को आया, उस दिन मेरा रेस्ट था, इन्होंने ईमेल करा दी, वहाँ पैसा नहीं था, वो जमा नहीं हुआ चेक। उन्होंने 22 तारीख को मुझे भेजा कि वो बैंक में जमा करना चेक, मैंने वो जाकर चेक बैंक में दे दिया, अकाउंट पर लोन ऊपर बनते हैं वो ले जाकर वहाँ दी पूरा, उसमें तो इन्होंने मुझे बता के तुमने इसमें गवर्न करा दिया, जबकि मैंने उसमें कोई हाथ नहीं लगाया, ना मैंने उसमें उसको छेड़ा, जो चेक था उसे मिलान करके अकाउंट कर तो वहाँ जाकर जमा कर दिया, पूरा जमा हो गया, पूरा पैसा चढ़ गया। ये गवर्न बता रहे उसको, कोई FIR नहीं करी। ए आर एम का ये आरोप है कि आपने पैसा किसी और के अकाउंट में जमा कर दिया जी, जबकि मैंने उसमें कोई हाथ नहीं लगाया, ये अकाउंट कंट्रोल ये रखे हैं,
क्योंकि तू जो जितना पैसा था उतना मैंने वहाँ जाकर दे दिया, उसी खाते में डाला था, उसी खाते में डाला। तो ये बैंक का गड़बड़ भी हो सकती है? नहीं, बैंक की गड़बड़ क्यों, इनकी गड़बड़ है। इन्होंने जो है कहना बाद में ईमेल कराई है, उसमें तो सोसाइटी उन लोगों का जो सोसाइटी का कर्जा है वो काट को इन्होंने सोसाइटी के खाते में जमा करा दिया। और आप मुझे उसका पता भी नहीं है कौन लोग थे जिन्होंने सोसाइटी के खाते में। ये जो पे क्लर्क है वो है राजसाई है। तो अगला अल्टीमेटम क्या दिया है आपने? मैंने अगला अल्टीमेटम ये दिया है, तो मैं 8% और मैं इनके खिलाफ एक तो मानहानि का केस करूँगा। मुझे इन्होंने मुसलमान होने के नाते कि लोग मुझे सस्पेंड कर दिया, जबकि मैंने किसी कागज को कोई हाथ नहीं लगाया, ना कोई लिखा, एक हरूफ मैंने कहीं नहीं लिखा। लक्सर पुलिस ने 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो लोगों को धर दबोचा है। सीओ लक्सर राजन सिंह का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई थी, जिसमें दो लोग कच्ची शराब के साथ पकड़े गए हैं। पूर्व से ही अवैध शराब विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में इंस्पेक्टर लक्सर के नेतृत्व में टीम द्वारा छापा मारा गया गांव में। इसमें 30 लीटर शराब बरामद की गई है, इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और एक मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया। महानगर में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल का पारा चढ़ गया है। दरअसल आज सुबह विधायक ठुकराल पीड़ित महिला और सैकड़ों समर्थकों के साथ कोतवाली जा धमके, जहां कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट को तहरीर देते हुए बताया कि प्रीत विहार निवासी हिंदू समुदाय की एक किशोरी को पड़ोस में ही रहने वाले दूसरे समुदाय का युवक आज तड़के बहला फुसला कर भगा ले गया है, जिस कारण हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है। एक नाबालिग का भगाने का प्रकरण के संबंध में मुकदमा लिखा गया है। नाबालिग हिंदू है तथा जिससे भगाने पर जिस पर आरोप है वो मान जा सकता है। इस संबंध में FIR की जा रही है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जल्द ही लड़की की बरामदगी की कोशिश की जाएगी। अजलपुर महनोला जो कि अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गया, उसके प्रीत विहार फेज 5 में एक हिंदू परिवार की बच्ची को लेकर एक शहजाद मोंटू नाम का मुस्लिम उसको बहला फुसला के ले गया है। उस संदर्भ में आज कोतवाली में अपना प्रतिवेदन यहाँ की जनता ने दिया है। जनता में भारी आक्रोश है और पुलिस पर भी हमको पूरा भरोसा है कि बच्ची का पता करके लाएंगे और बच्ची नाबालिग है और बच्ची अगर बरामद नहीं होगी तो हम आपको बता दें हम यहाँ पर सबका जीना हराम कर देंगे। बिल्कुल कोई किसी प्रकार का लिहाज नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ पुलिस को पहला मौका दे रहे हैं बच्ची को बरामद करें और निश्चित रूप से ये मामला बड़ा रूप लेगा। मैं अभी से पुलिस को आगाह करना चाहता हूँ।